हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो पेज है ये काफ़ी वायरल हो रहा था, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हुआ चलता हूँ। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो एमसीडी में वैकेंसी आई थी, तो दोस्तों उसके अंदर जितनी वैकेंसी थी और उनकी अभी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब दोस्तों उनके अंदर ये था कि कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, कितनी टोटल सीट थी वो सभी को मालूम है, और दोस्तों कितने लोगों ने अब फिलहाल इसको ज्वाइन कर लिया है फाइनल। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी लिस्ट है, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। एट द आउटलेट इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द आंसरिंग रिस्पॉन्डेंट हैज़ रिसीव्ड रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी अंडर पोस्ट 16, 17 and 118 एंड नंबर ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड आर एज अंडर। अब दोस्तों एमसीडी में जो ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ पर देख लीजिए, प्राइमरी की नंबर ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय DSSB, यानी कि इसमें 4200 के आसपास वैकेंसी थी, मगर यहाँ पर जो आगे पीछे मतलब ऐसा होता है कि कुछ पहले रिजेक्ट हो जाते हैं जिनके ईडोजियर वगैरह नहीं आते हैं। तो दोस्तों टोटल जो इन्होंने बुलाए थे वो बुलाए थे 3989 कैंडिडेट, और उसमें से दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर कितने लोगों के लिए इशू हुआ था वो देख लीजिए आप, 3585। अब उसके अंदर यहाँ पर कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ये बहुत नंबर चौंकाने वाले हैं, 2604, यानी कि 2604 लोगों ने ही सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है। पेंडिंग कैंडिडेट कितने हैं, 1380, यानी कि 1380 पेंडिंग है। अब दोस्तों इसके अंदर ये होता है कि कोई कहीं पर मतलब काम कर रहा होगा तो उसने अभी रिज़ाइन नहीं दिया वहाँ से, या रिज़ाइन दिया हो तो फिर इसमें क्या था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर केस था कुछ, तो उन्होंने वापसी जहाँ से रिज़ाइन दिया था, मान के चलो अगर KV से रिज़ाइन देकर कोई MCD में आना चाहता था तो दोस्तों वो वापस KV में चला गया, या फिर अदर इशूज़ हो सकते हैं जिस वजह से इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो। तो दोस्तों पेंडिंग कैंडिडेट अभी कितने हैं, 1380, यानी कि वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस है, जो कि फरवरी तक इसके चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट आ जाए। अब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, जैसे NDMCA, EDMCA, साउथ SDMCA है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो दोस्तों तीन डिपार्टमेंट है यहां पर, आप देख लीजिए। कॉर्पोरेशन वाइज समरी रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ टीचर प्राइमरी, नॉर्थ DMCA में कितने हैं, 1377, जिसमें से अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए 1294 लोगों को, और दोस्तों 984 लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया, 392 लोगों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका। और दोस्तों ईस्ट दिल्ली की मैं बात करता हुआ चलो, तो यहाँ पर 1708 जो कैंडिडेट थे वो एलोकेटेड किए गए थे, जिसमें से अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया था सिर्फ 1431 कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों इसमें कितने फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो कितनी हुई है, 1101, इसमें भी 603 पेंडिंग केस है। और दोस्तों मैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ, तो इसमें 904 कैंडिडेट थे जिनको एलोकेटेड किया गया था, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुए थे 860 रिलीज़, उसके बाद दोस्तों फाइनल जो ज्वाइनिंग हुई है वो 519 लोगों की हो चुकी है, और अभी तक पेंडिंग कितने पड़े हुए हैं, 385, यानी कि ओवरऑल 1380 कैंडिडेट है जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। इसके बाद मैं स्पेशल एजुकेशन का बताता हुआ चलूँगा, अगली वीडियो ज़रूर देखिए, अगर आप नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ओवरऑल अगर टोटल हम एग्रीगेट कर दें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलोकेटेड कितने थे, 3989। अब इसमें से अपॉइंटमेंट लेटर कितने लोगों के लिए इशू किया गया, 3585, और दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्वाइन कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 2604, और दोस्तों पेंडिंग कितने हैं, 1380, यानी कि बहुत मतलब बहुत लंबा मार्जिन कह सकता हूँ मैं इसको। और इसके अंदर यही उम्मीद है कि शायद जो अगर लोग और ज्वाइनिंग कर पाते हैं, क्योंकि ये चांस देते हैं तो और ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर नहीं देते तो दोस्तों सीधा वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अब अगली वीडियो में मैं स्पेशल एजुकेशन का बताने वाला हूँ, स्पेशल एजुकेटर जिसका पोस्ट कोड था 15/17, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी अपडेट आपको दे दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको DSSB से रिलेटेड और भी न्यूज़ चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।